ठीक है, साउंड चेक हो गया। और क्या हो रहा है? आईसीएससी, सीबीएससी और मुझा आगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, मर्कल है ए साउंड मेड ऑन, लिखते रहो साथ में, लिखते रहो इसमें बहुत जल्दी हो जाएगा। ए साउंड मेड ऑन द सरफेस ऑफ ए लेक या डालू तुम काम नहीं चल रही है, चल रही हो गया मेरा काम। लेक टेक 3 सेकेंड टू रीच ए बॉटम हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच ए डाइवर होते बंद करने वाला अंदर इनसाइड द वाटर एट द सेम डेप्थ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर 300 meters per second एनिमल्स वेलोसिटी of sound in water is 1440 in this way. Fit up below this balance. इसको बहुत टाइम मिल रहा है, इसको 3 सेकंड का एयर में वेलोसिटी कितनी है 300 ms-1 ठीक है ना, तो पहले कहते हैं डेप्थ ऑफ लेक, तो क्या करेंगे 300 × 3 9 × 2 ms-1 ठीक है ना। फिर हमें निकालना क्या है, एक टी तो हमारा 3 सेकंड था ही, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि रीच डाइवर इनसाइड द वाटर, अंदर है पानी के वहां का पे पहुंचे ठीक है, तो क्या होगा टी इक्वल डी अपॉन वी, टी निकालना है डी डेप्थ कितनी हो गई 900, पहले कितना है 1440 0.62 सेकेंड, नोट करो। कुछ समझ में आ रहा है, एंड अल्ट्रासोनिक वेव इज सेंट फ्रॉम ए सी टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ द सी, इट इज फाउंड दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन द सेंडिंग एंड द रिसीविंग ऑफ द वेव इज 1.5 सेकेंड, कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ सी इफ द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन सी वाटर इज 1400 ms-1 डेप्थ हो जाएगी 2150 मीटर, आंसर गलत आ रहा, कर दिया कितना 2150 कुछ दिया, ये क्या 1.5 हो ना, इसे मल्टीपल किया इसका कितना आया, मतलब उसके बाद भी जीरो है, देखो तो मल्टीपल करो 2150 फिर 50 कहां से ले आए थे भैया, पॉइंट के लिए
समझ से करें इसको। चलिए टी 1.5 सेकंड दिया है और डेप्थ निकाल लें 1.5 इंटू वेलोसिटी 1400 कितना जाएगा, कितना आ रहा है चलेगा आगे बढ़े। डेप्थ पर कनेक्ट करो, रखना फार्मूला ये भी ध्यान ध्यान करना इसके लिए डी इक्वल वी इंटू टी, ये डेप्थ है ठीक है ना। मुद्दा छोड़ो, ध्यान दो इधर, अभी तो ये डेप्थ तो आई है, ये फाइनल डेप्थ नहीं है बेटा। किसी सी के लिए सी डेप्थ डी बाई टू होता है और 21.0/2 कितना आएगा 1050 मीटर। वो नहीं है डेप्थ, तो रियल डेप्थ नहीं है। क्या होता है देखिए, वो इसने क्या बताया आपको, इसने ये बता दिया कि ये कोई लेवल है जो ऊपरी सतह है उसकी सी की, और ये डाउन है ये ठीक है ना, ये डेप्थ है, ये जो निकला है ये यहां से लेके और ये पूरी है डिस्टेंस ठीक है ना, ये पूरी डिस्टेंस है ये ऊपर लेवल से लेके डिस्टेंस, इसलिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा टू से सी डेप्थ के लिए। क्वेश्चन बोल दे, ए रडार स्टैंड इज सिग्नल टू एन एरोप्लेन एट डिस्टेंस 45 किलोमीटर अवे विथ स्पीड ऑफ 3×10⁸ms-1 आफ्टर हाउ लॉन्ग इज द सिग्नल रिसीव बैक फ्रॉम द एरोप्लेन। सारी जानकारी दी हुई है, देखो यहां फॉर्मूला लगेगा इसमें टी इक्वल 2D/V 2×, कितना है 45 इसको कर लो कन्वर्ट मीटर में, अपॉन वी कितना है ये 3×10⁸ करिए इसको, इनसे काट लीजिए 15 × 15 × 30 ठीक है ना, ये ऊपर भेज दीजिए फिर मारो 8 को, ये माइनस का हो जाएगा या 1 2 3 4 3×10⁴ × −8 − 4 सेकंड्स ऐसे लगाइए ना। क्वेश्चन बोल रहा हूं, एंड ऑब्जर्वर स्टैंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 850 मीटर फ्रॉम इक्लिप्स एंड फायर सिग्नल आफ्टर व्हाट टाइम गैप विल बी हियर द इको ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ 350 मीटर/s इन एयर। व्हाट टाइम पूछ रहा था ना टी, जरा दो मिनट देखो लगा के फॉर्मूला लगाया उसने, क्या होता है टी निकालना है इक्वल 2D/V डी कितना है 850 वी 350 कैलकुलेट लीजिए इसको, ये 4.86 सेकंड आएगा और उसको राउंड फिगर नहीं लिखना है ठीक है ना, इसको राउंड फिगर नहीं लिखना है भैया, ध्यान रखिएगा ये कुछ यूनिट ऐसी होती है इसकी, ये सेकंड है ना, तो आपको कुछ बहुत बड़ा यूनिट नहीं है इसको, ये नहीं आप इतना आ रहा लिखिए नहीं तो यार गड़बड़।